हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे एक पोटैटो कबाब। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और 15 से 20 दिन तक फ्रीजर में रखकर आप जब चाहें इसको यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉइल कर लिया है और उसका स्किन पील कर लिया है। 4 मैंने पोटैटोज लिए हैं बड़े साइज के जिसको मैंने बॉइल कर लिया है और स्किन पील करके उसको मैश कर लिया है। 1 बड़ा मैंने प्याज लिया था, फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मुट्ठी भरकर हरा धनिया लिया है, फाइन चॉप किया है। और 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप कर ली है। 3 से 4 टीस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। आप इसकी जगह पर मैदा या बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, सॉल्ट एज पर टेस्ट हम यूज़ करेंगे। ये मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ जिसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा नींबू का रस आपने निचोड़ लेना है जिससे थोड़ा सा चटपटा सा उसका ऊपर का कवरिंग तैयार होगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून पेपर लिया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से ईजी एंड क्विक एक पोटैटो कबाब। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए थे जिसको मैंने अच्छी तरह से पील करके मैश कर लिया है। मेक श्योर करें कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। आप चाहें तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें बीच में। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज, हरी मिर्च ली है और हरा धनिया, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। और जो भी सूखे मसाले मैंने आपको मेंशन कर लिए हैं ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 टीस्पून हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। ये बाइंडिंग के लिए मैंने यूज़ किया है ताकि ऑयल में जाकर ऊपर की कवरिंग फटे नहीं। आप चाहें तो आप उसको ब्रेड क्रम से भी कोट कर सकते हैं। तो ये हम ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार। इसको हमने अच्छी तरह से नीट कर लेना है, जैसे हम आटा लगाते हैं बस उसी तरह से अच्छी तरह से इसको मसल कर मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं आटे में। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसको। आप इसको चेक कर सकते हैं, एक छोटा सा गोला अपने गरम ऑयल में ऐड करके चेक कर लेना है कि ये उसमें फट तो नहीं रहा है। अगर ये फट रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाथों को थोड़ा सा हमने वेट कर लेना है, ऑयल में लगाएं इससे और भी स्टिकी हो सकता है। थोड़ा सा इसमें से हम इस तरह से पोर्शन स्कूप आउट कर लेंगे और हाथों पर हमने इसको इस तरह से फैला लेना है। अच्छी तरह से इसको फैला लेंथ वाइज। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फैलाया है। एक एग हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से और फिर हमने इसको इस तरह से हर तरफ से कवर कर लेना है। बस इसको इस तरह से रोल करते रहें, ऊपर इस तरह से ये आ जाए तो इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से सील कर लेना है। ये देखिए जैसे मैंने कहा था, आप चाहें तो आप इसको अंडे में डिप करके आप उसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आज डायरेक्टली फ्राई करने वाली हूँ। एक और बना लेते हैं। एक बड़ा सा पोर्शन हम इस तरह से स्कूप आउट कर लेंगे। इसको इस तरह से लेंथ वाइज आपने फैला लेना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। एक एग को हम इस तरह से बीच में रख देंगे और बस इसको इस तरह से हर तरफ से कवर कर लें। यहां से अगर ये ओपन है तो इस तरह से थोड़ा सा पुश करते हुए इसको इस तरह से आपने बंद कर लेना है और फिर ऊपर से इस तरह से आपने इसको शेप दे देना है। ये देखिए एक और मैंने यहां पर तैयार कर लिया है इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए सारे ही मैंने रेडी कर लिए हैं। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको अच्छी तरह से फ्रीजर में रख लें। जब ये बहुत हार्ड हो जाए 6 से 7 घंटे बाद तो आपने उसको फिर जिपलॉक बैग में ऐड कर देना है और फिर आप उसको जब चाहें 15 दिन तक आप उसको निकालकर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म है और यहाँ पर मैंने 1 पोटैटो का बॉल लिया है। इसमें ऐड करके देख लेते हैं कि ये ऑयल में बिखर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है, अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहा है। अगर आपका आलू का मिक्सचर बिखर रहा है तो आपने उसमें 1-2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेना है ताकि ऑयल में वो बिखरे नहीं और अच्छी तरह से फॉर्म रहे। ये देखिए तो बस तैयार है ये। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मैं लो कर दूंगी और इसमें हम ऐड कर देते हैं। बहुत ज्यादा ओवरक्राउड नहीं करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर लेंगे ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से फॉर्म हो जाए और फटे नहीं।
इसको फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन कलर आ गया है। और ये देखिए आलू का मिक्सचर बच गया था, तो उसी आलू के मिक्सचर से मैंने एक स्पाइली बनाया है बच्चों के लिए। तो ये वेरिएशन भी आप कर सकते हैं, आप इस तरह से स्माइली बनाकर बच्चों को दे, इसी मिक्सचर से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से तैयार हो गया है ये, इसके ऊपर सुनहरा सा कलर आ गया है, तो निकाल लेते हैं इसको बाहर। मैंने इसमें एज अ होल पूरे अंडे यूज़ किए हैं, आप चाहें तो आप अंडों को हाफ कट करके भी उसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं, या एक अंडे के चार हिस्से करके भी आप उसको स्टफ़ कर सकते हैं। तो तैयार है एक पोटैटो कबाब, ये देखिए। तो फ्रेंड्स तैयार है एक पोटैटो कबाब, मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है, सॉस के साथ हरी चटनी के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है एक पोटैटो कबाब, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लिख के जरूर बताइए रेसिपीज कैसी लग रही है। अगर रेसिपीज आ रही है पसंद तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।